दोस्तों अभी इस वीडियो में हम अपनी कार को रवाना करना सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप नए नए कार ड्राइवर हैं और आपको स्पेशली कार को रवाना करने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स देने वाला हूँ। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना पहले समझ लेना है क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर को। यह देखिए दोस्तों हमारा क्लच है, जिसको हमें अपने लेफ्ट पैर से दबाना है। ये हमारा ब्रेक है, ये हमारा रेस है। देखिए जो राइट पैर है उससे या तो ब्रेक दबेगा या रेस दबेगा, यानी रेस पे रहेगा तो ब्रेक ऐसे ही रहेगा हमारा, ठीक है। और जब हमें गाड़ी को धीरे करना है तो हम यहाँ से रेस से अपना पैर उठा के किस पे रख देंगे, ब्रेक पे रख देंगे। यानी एक ही पैर से हमें दो काम करना है, और यह तो हमारा फिक्स क्लच के लिए ही रहेगा। हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कभी भी गलती नहीं करनी है, इस पैर से ब्रेक नहीं दबाना है। ब्रेक हमेशा किससे दबेगा, इस पैर से ही दबेगा, इससे हमें हमेशा अपना क्लच ही दबाना है। ये बात आपको पहले क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्लच दबा दिया है मैंने, और अब गियर को समझ लेते हैं। गियर सिंपल है, देखिए एक तो इस तरफ जा रहा है, एक अपने आप जहाँ पे रुका हुआ है वहाँ है, और एक इस तरफ आ रहा है। देखिए इस तरफ लेके जाएंगे तो इसके सीध में आगे क्या लिखा हुआ है, एक नंबर, तो ये हमारा एक नंबर लग गया है, ठीक है। अब देखिए मैं क्लच कैसे छोड़ूंगा, अब देखिए दोस्तों क्लच को छोड़ना है, इसको सीखना ये जरूरी है। देखिए मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं दे रखा है, क्लच को धीरे धीरे लाना। देखिए बिल्कुल स्लो स्लो लेके आया हूँ, मेरे हाथ वगैरह सब यहीं पड़े हैं आपके सामने। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर मैंने क्लच को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, क्योंकि मेरा इस पॉइंट पर गाड़ी चलना शुरू हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर मेरा गाड़ी चलना शुरू हो गया है। क्लच को मैंने धीरे धीरे लाया एक पॉइंट तक, ठीक है। उस पॉइंट पर आते ही मेरा गाड़ी अपने आप रवाना हो गया, पूरी तरीके से रवाना हो गया है। तो मैंने मेरा क्लच पूरा छोड़ दिया, देखिए दोस्तों मैंने मेरा क्लच पूरा छोड़ दिया। अब मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा, देखिए अभी कितने का स्पीड है, यहाँ पे लगभग 10 के आसपास की स्पीड है। तो एक्सीलेटर बढ़ा है मैंने, यानी रेस दिया, तो मेरा स्पीड भी बढ़ गया है। अब दो नंबर गियर लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा प्रोसेस करना पड़ेगा, क्लच दबाना होगा, एक्सीलेटर कम कर दिया, और गियर को देखिए एक नंबर की सीध में दो नंबर लगेगा, नीचे कर दिया, दो नंबर लग गया, वापस क्लच छोड़ दिया, ओके, और एक्सीलेटर बढ़ा दिया, तो मेरा जो स्पीड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्सीलेटर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ता जाएगा। ओके दोस्तों गाड़ी बराबर चल रहा है, अभी जैसे 20 का स्पीड है, एक्सीलेटर बढ़ाया, स्पीड को मैंने मेरा 40 का कर दिया, मुझे तीन नंबर लगाना है, ओके। तो गियर को छोड़ दिया, जहाँ पे अपने आप आके रुका है, यानी बीच की पोजीशन पे आ गया, देखिए इसके सीध में आगे दबाऊंगा तो मेरा तीन नंबर लग जाएगा, ओके। और वापस क्लच छोड़ दिया, और गाड़ी जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया। अब चार नंबर लगाने की बारी आती है, तो क्लच दबाया, एक्सीलेटर कम कर दिया, और गियर को जस्ट पीछे खींच दिया, तीन नंबर के सीधी, देखिए मेरा चार नंबर लग गया है, और वापस क्लच छोड़ दिया, ओके, और एक्सीलेटर दे दिया। एक्सीलेटर देते ही मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है, हालांकि 40 से ज़्यादा का स्पीड रहना चाहिए। इसी तरीके से पाँच नंबर लगाऊंगा मैं, और मेरा गाड़ी है जो कंटिन्यू चलता रहेगा। रोकना है तो मैंने क्लच दबाया और मेरा ब्रेक दबा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा गाड़ी है जो रुक जाएगा। अब जैसे मुझे पाँच नंबर लगाना होता तो मैं क्या करता, गियर को निकालता, ठीक है, वही सेम प्रोसेस जो आने गियर में किया, इस तरफ लाता आगे दबा देता तो मेरा पाँच नंबर लग जाता। पाँच नंबर हम कब लगाएंगे, जब हमारे गाड़ी का स्पीड 50 से ज़्यादा हो, यानी 60 से ज़्यादा हो, ऐसा हम समझ सकते हैं। वापस समझ लीजिए, एक नंबर लगाया, क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर बढ़ा दिया, क्लच दबाया, एक्सीलेटर कम किया, दो नंबर लगाया, ठीक है, क्लच छोड़ दिया है और एक्सीलेटर बढ़ा दूंगा, ओके। तो यह रहता है दोस्तों आपका गाड़ी को सिंपल सा ड्राइव करने का तरीका, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। यह छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने अपनी कार को रवाना करना और यहाँ पे थोड़ा बहुत गियर चेंज करने के बारे में समझा। अब जैसे मुझे दोस्तों यहाँ पे आगे रोकना है, मैं आपको बताऊँगा तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, अभी गाड़ी चल रहा है, ठीक है, देखिए रोकना है तो मैं क्या करूँगा, हल्का हल्का ब्रेक दबाऊंगा, वो भी किस से, अपना इस राइट पैर से। ये तो देखिए क्लच के लिए फिक्स है, ओके। एक नंबर लगाना है तो क्या करूँगा, इस साइड लेके गया, आगे दबाया, एक नंबर लग गया। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सीलेटर देने के साथ, थोड़ा एक्सीलेटर दे दो,
ठीक है ओके, और क्लच को धीरे धीरे छोड़ो। तो देखिए गाड़ी मेरा जो आगे चला जाएगा, ठीक है थोड़ा मुझे आगे लेना है, देखिए थोड़ा गाड़ी आगे हो गया। वापस रोकना है तो मैंने क्लच दबा दिया पूरा और ब्रेक दबा दिया, गियर को ऐसे पीछे खींचा, न्यूट्रल हो गया है। न्यूट्रल रहेगा तो ये दोनों साइड मूव करेगा, और ये हमारा है हैंड ब्रेक, मैं अपना हैंड ब्रेक को खींच दूंगा ओके। और अब मुझे बात आती है इंजन स्टॉप करने की, तो इसमें दोस्तों इंजन स्टॉप चाबी से होता है, बाकी जो अभी लेटेस्ट कार आई उनमें इंजन स्टॉप एंड ऑन का बटन लगा हुआ होता है। तो चाबी को हम इस तरफ ऑफ की ओर घुमाएंगे, इस साइड घुमाएंगे तो हमारा इंजन बंद हो गया है, स्टॉप हो गया ओके। सी से बंद करने के लिए यहाँ पे बटन लगे होते हैं, ये तो दोस्तों नॉर्मल बात है। इसी के साथ हम अपने साइड मिरर को भी सिमट देंगे, इस बटन को दबाया तो साइड मिरर है जो सिमट गया ओके। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखा, मैं हूँ सुरेंद्र खिलेरी जो आके आपको इस प्रकार की वीडियोस शेयर करता है। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।